बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में फिर से होंगी पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं। छात्रों की पढ़ाई का स्तर पता करने के लिए मापदंड होना चाहिए, प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बात कही है। पहले की तरह पांचवीं और आठवीं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र की नीति की वजह से बोर्ड की परीक्षाएं हटा दी गई थी। आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं करने की केंद्र ने नीति बनाई थी। अब केंद्र सरकार ने बच्चों को पास या फेल करने का हक राज्यों को दिया है, और ऐसे में जब यह हक राज्यों को दे दिया गया है तो इसका मतलब अब राज्य इसकी पुनर्समीक्षा कर सकते हैं, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में पांचवीं और आठवीं में बोर्ड की परीक्षाएं फिर से हो सकती हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने जो नीति बनाई थी उसकी दो बहुत बड़ी वजह थी, वो ये कि अगर बोर्ड में बच्चे फेल हो जाते थे तो अमूमन या तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे या माता पिता उनसे पढ़ाई छुड़वा देते थे, और सबसे बड़ी बात फेल होने पर अमूमन हमने देखा था कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद बहुत बड़ी तादाद में बच्चे खुदकुशी जैसा भयानक कदम भी उठाते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आठवीं तक बच्चे को किसी भी सूरत में फेल ना करने की नीति बनाई गई थी, लेकिन अब राज्यों के पास ये दोबारा हक है और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्विचार करेगी। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, इसका मतलब अब तक जो पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं बंद थी, पुनः समीक्षा राज्य करेगा और ये मानकर चलें कि पांचवीं और आठवीं बच्चों को फिर से बोर्ड की परीक्षा में खरा उतरना होगा। जी आशीष, बिल्कुल। देखिए, इस सत्र से पांचवीं और आठवीं को फिर से बोर्ड परीक्षा बनाए जाने की तैयारी है, और खुद जो स्कूल शिक्षा मंत्री है प्रेम सिंह टेकाम, उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र की जो नीति थी फेल ना करनी थी आठवीं तक, उस पर कई राज्यों ने पुनर्विचार के लिए कहा था, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे बच्चे हैं और दूर दराज के इलाकों में पढ़ने वाले जो स्कूली छात्र हैं, वहां पे इस नीति की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, और इन्हीं सबके चलते वापस केंद्र ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो पांचवीं और आठवीं को बोर्ड परीक्षा के तौर पर लागू करें या ना करें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ जो है वापस से पांचवीं और आठवीं को बोर्ड परीक्षाएं बनाएगा, और इसके पीछे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका तर्क ये है कि जो बच्चे पास होते जा रहे हैं ये पता भी चलना चाहिए कि आखिर उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, क्या वो जिस कक्षा में है उस स्तर के अनुसार वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, और यही सब देखने के लिए जो है पांचवीं और आठवीं को फिर से बोर्ड परीक्षा बनाया जाएगा, क्या प्रारूप होगा ये अभी तय किया जाना है। बहुत शुक्रिया रजनी, जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता रायपुर से।